नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सीखे.com पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स योजना की जानकारी आपके साथ शेयर करूंगी। दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी की वजह से अपने अपने गांव लौट चुके प्रवासी श्रमिकों एवं झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बेघर कामगारों को सस्ती कीमत पर आवास उपलब्ध करवाने के लिए, किराए के आवास उपलब्ध करवाने के लिए अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स स्कीम शुरू की गई है। और इस स्कीम की घोषणा जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आत्मनिर्भर भारत पैकेज में की गई थी। और योजना के तहत जो है सस्ती रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण जो है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कानूनी रूप से जो वैध शहर होंगे उनमें किया जाएगा। और शहरों देश के सभी शहरों में किया जाएगा, बड़े शहरों में और जहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र हैं उनके आसपास भी इस सस्ते किराए के पर मिलने वाले अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा, जिससे जो है ये श्रमिक हैं, प्रवासी श्रमिक हैं जो अपने प्रदेश से दूसरे प्रदेश में आते हैं काम करने के लिए, आजीविका कमाने के लिए, उन्हें अपने कार्य क्षेत्र के करीब ही, फैक्ट्रियों के करीब ही जो है सस्ती कीमत पर मकान रहने के लिए मिल जाए और साफ वातावरण में स्वच्छ मकान, जिससे वो बीमारी से बचे रहें और उन्हें जो है किराए देने में असुविधा का सामना न करना पड़े। और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए श्रमिकों को और उनकी बारी जो है गरीब जो है LIG और वर्क के या EWS वर्क के कैटेगरी में जो भी आने वाले नागरिक हैं उन्हें भी इस प्रकार की आवासीय परिसर के अंदर सस्ते किराए पर मकान उपलब्ध हो सकेंगे। और उनके अतिरिक्त स्टूडेंट्स को, दिव्यांग महिलाओं को, विधवा महिलाओं को भी सस्ते किराए पर मकान उपलब्ध हो सकेंगे योजना के तहत। तो इस योजना के तहत जो है वर्ष 2022 तक सस्ते कीमत पर जो रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स है उनका निर्माण कार्य पूरा कर दिया जाएगा। और यदि 2022 के अंदर ही कोई दूसरे प्रोजेक्ट अप्रूव होता है इस प्रकार के अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स योजना के तहत, तो इसके लिए 18 महीने का समय उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए और दिया जाएगा। तो 2022 से 18 महीने और आगे बढ़ सकता है। और प्रधानमंत्री मोदी का जो मिशन है कि सबके लिए आवास हो 2022 तक, तो उसी के तहत इस योजना को शुरू किया गया है। और इसके अतिरिक्त इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य जो है बड़े शहरों को झुग्गी झोपड़ियों से मुक्त कराना है, ताकि स्वच्छता और सफाई के की ध्यान में रख कर के जो है इस प्रकार की योजना को शुरू किया गया है, ताकि जो गरीब हैं, श्रमिक हैं, बेघर हैं, वो भी जो है सस्ते किराए के मकान को ले सकें। और इस प्रकार के जो सस्ते रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में मकान मिलेंगे वो उनमें जो है न्यूनतम 1,000 रुपये से लेकर अधिकतम 3,000 रुपये तक का किराया देना होगा। और एक बेडरूम, दो बेडरूम के रूम जो है आवास प्राप्त हो सकेंगे किराए पर। और इसके अतिरिक्त डोरमेट्री भी प्राप्त होंगे, यानी एक ही रूम के अंदर एक बेड और टेबल, चेयर और शेल्फ के साथ भी जगह उपलब्ध होगी। तो इस प्रकार का भी जो है रेंट पर आप मकान ले सकेंगे, रहने की जगह ले सकेंगे। और इस योजना को जो है दो मॉड्यूल में किया जाएगा, पूरा क्रियान्वयन किया जाएगा, कि पहले के अंतर्गत जो है सरकारी वित्त पोषित खाली पड़े आवासों को सार्वजनिक निजी भागीदारी अथवा सार्वजनिक निजी एजेंसियों के माध्यम से
सस्ते रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में परिवर्तित किया जाने का काम किया जाएगा। और दूसरे मॉडल के अंतर्गत सार्वजनिक निजी संस्थाओं द्वारा अपनी खाली पड़ी भूमि पर जो है सस्ते रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण का संचालन किया जाएगा। और योजना के तहत जो है देश के जो भी EWS वर्ग के अंतर्गत आते हैं यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अंतर्गत आने वाले नागरिक और निम्न आय वर्ग समूह यानी LIG वर्ग के अंतर्गत आने वाले जो नागरिक होंगे उसी योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। और इसके अतिरिक्त शहरी प्रवासी जो गरीब हों शहर में रहने वाले जैसे श्रमिक हैं और विक्रेता हैं रिक्शा चालक हैं रोड के किनारे जो सामान बेचते हैं फुटपाथ पर जो दुकान लगाते हैं रिक्शा चालक हैं ये लोग इस प्रकार के कैटेगरी के अंतर्गत आने वाले नागरिक भी सस्ते रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर मकान प्राप्त कर सकेंगे किराए का। और इसके अतिरिक्त औद्योगिक फैक्ट्रियों में यानी औद्योगिक क्षेत्र के अंतर जो श्रमिक काम करते हैं और बाजार व्यापार संघों के साथ काम करने वाले जो प्रवासी और शैक्षिक स्वास्थ्य संस्थान में कार्य करते हैं जो गार्ड और चौकीदार आदि ये भी इस योजना के तहत मकान प्राप्त कर सकेंगे किराए पर। और इसके अतिरिक्त जो दीर्घकालिक पर्यटक आते हैं घूमने के लिए बाहर से वो भी इस कॉम्प्लेक्स के अंदर किराए पर मकान प्राप्त कर सकेंगे। और अपने और जो छात्र अपने शहर से बाहर डिग्री कोर्स करने जाते हैं वो भी इस योजना के तहत जो है एफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर किराए का मकान प्राप्त कर सकेंगे। और इसके अतिरिक्त जो है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग विधवा और कामकाजी महिलाएं विकलांग नागरिक और अल्पसंख्यक वर्ग के जो EWS और LIG समूह के अंतर्गत आने वाले नागरिक हैं उनको इस योजना के तहत जो है किराए के मकान देने में प्राथमिकता दी जाएगी। और इस योजना के तहत मिलने वाले मकान जो है एक सिंगल बेडरूम के जो मकान होंगे उनका कारपेट एरिया 30 स्क्वायर मीटर होगा यानी जो बना हुआ एरिया होगा 30 स्क्वायर मीटर में बना होगा और उसमें एक बेडरूम और किचन बाथरूम टॉयलेट होंगे। और जो है डॉर्मेट्री जो होंगे वो 10 स्क्वायर मीटर की जगह मिलेगी उसमें आपको एक बेड और बेड साइड टेबल शेल्फ्स लॉकर और किचन टॉयलेट जो है वो कॉमन रहेगा जितने भी डॉर्मेट्री में लोग रहेंगे। और डबल बेडरूम जो है वो 60 स्क्वायर मीटर का होगा उसमें दो बेडरूम और किचन टॉयलेट होगा। और इस और जो ये सस्ती कीमत पर रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स होंगे उनके अंदर ATM आंगनबाड़ी बैंक स्कूल दवा की दुकान सामुदायिक केंद्र किराने की दुकान आदि की सुविधा भी उपलब्ध होगी। और सीवर वर्षा जल निकासी सड़कें पक्की और ठोस अवशिष्ट प्रबंधन बिजली आदि की भी सुविधा उपलब्ध होगी। तो इस प्रकार से जो है गरीब व्यक्ति भी स्वच्छ वातावरण में और मकान किराए का ले सकेंगे। और देश में जो है झुग्गी झोपड़ी जो बड़े शहरों में है उससे जो है छुटकारा मिलेगा और सफाई हो रहेगी शहरों में। तो प्रधानमंत्री के स्वच्छता मिशन में भी सहयोग प्राप्त होगा इस योजना के शुरू होने से। तो अभी इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है अभी इस पर कार्य किया जा रहा है और शहरों में। तो जैसे ही इस योजना के अंतर्गत जो है रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध होगी किराए के मकान प्राप्त करने के संबंध में तो इस चैनल के माध्यम से जो है योजना को अपडेट किया जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हमारे यूट्यूब चैनल सीखे.com को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट योजनाओं की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो है योजना की जानकारी नागरिकों को प्राप्त हो सके।